एक तरफ देश आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहा है तो दूसरी तरफ इस आजादी का राजनीतिकरण भी नेता करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया तब राहुल गांधी को पांचवी लाइन में बिठा दिया गया, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया। हालांकि फिर बीजेपी ने भी सफाई दी कि प्रोटोकॉल के तहत खिलाड़ी आगे बैठे थे और नेता पीछे बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में ऐसी घटना घटी जिसकी शायद कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। टी राजा सिंह गोशा महल से विधायक, पुलिस ने उन्हें मुकदमा दायर करने की धमकी दे दी अगर उन्होंने तिरंगा यात्रा निकालने की बात कही तो। उसके बाद टी राजा सिंह ने अपनी बात रखी, सफाई रखी। देखिए एक आजादी के महोत्सव में, आजादी के दिन पर किस तरीके से ऐसे मौकों का राजनीतिकरण किया जाता है जब नेता अपने राजनीतिक मतलब के लिए नेताओं को तिरंगा यात्रा तक इस देश में नहीं निकालने दे रहे। आपको बता दूं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सुनिए एक बार टी राजा सिंह को। आप लोगों ने सुना होगा जन संगठन बनाए रखे और हमारे पुलिस भाई जो वीडियो निकाल रहा है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि ये पुलिस के अधिकारियों को वीडियो भेजे। पुलिस के अधिकारियों को मैं पूछना चाहता हूँ, जब भारत देश को आजादी मिली तो यही तिरंगे के नाम पर मिली, भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे पर मिली। वो समय पर भी अंग्रेजों का राज था, भारत माता की जय वंदे मातरम कहने पर जेलों में डाला जाता था, फांसी पर चढ़ाया जाता था। वो समय पर भी भारत देश का हर वो नौजवान नहीं रुका, नहीं थका। वो समय पर भी भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे ऐसे अनेकों क्रांतिकारियों ने भारत देश का झंडा पकड़ के भारत माता की जय का नारा लेकर अपने प्राण निछावर कर दिए देश को आजाद कराने के लिए। वो समय पर वो नहीं रुके, ये समय पर हम भी नहीं रुकने वाले। चाहे पुलिस के अधिकारी नोटिस दे, चाहे पुलिस के अधिकारी एफआईआर करे, चाहे पुलिस के अधिकारी हमें जेल में डाले, एक बात ध्यान रखना, अगर तुम एफआईआर करोगे जैसे पिछली बार हम लोगों पे तुम लोगों ने केस बुक किया था तो तेलंगाना का नाम पूरा खराब हुआ था, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम पूरा खराब हुआ था। क्यों? क्योंकि तेलंगाना में गोशा महल की विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालने पर केस बुक किया गया तो लोगों ने टैग किया, लोगों ने सवाल किया क्या तेलंगाना की पुलिस क्या देशद्रोही है, क्या तेलंगाना भारत में आता है या पाकिस्तान में आता है। इस प्रकार की पोलिंग चली, इस प्रकार के ट्वीट हुए, फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर और हर जगह पर इस प्रकार का एक वायरल हुआ था। ठीक है, आप लोग किसके दबाव में आकर काम किया है ये हमें पता नहीं, लेकिन हमें लड्डू जी कहे कि तिरंगा को देखकर कोई पत्थर मार सकते हैं, किसी की अम्मा ने नहीं जनी कि तिरंगे के ऊपर कोई पत्थर मारे। जो हाथ तिरंगे के ऊपर उठेगा उस हाथ को काटने का कार्य यही नौजवान करेंगे, चाहे वो देश का हो या देश के बाहर का हो। हम सबको सोचने और समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से मानसिकता खराब हो रही है पुलिस के अधिकारियों की। उनसे निवेदन करना चाहता हूं ये मानसिकता निकाल दे। एफआईआर करना, कोर्ट में केस बुक करना, अगर इस प्रकार का भी अगर आप जिद पर अगर काम करोगे तो जो पुलिस स्टेशन में हमारे ऊपर एफआईआर होगा पूरे देश में उस पुलिस स्टेशन का नाम और उस पुलिस के अधिकारी का नाम हम पूरा का पूरा वायरल करेंगे। देश देखेगा कि देश में तेलंगाना में विधानसभा में एक ऐसा भी पुलिस स्टेशन है, एक ऐसा भी पुलिस अधिकारी है जो तिरंगा यात्रा निकलने पर केस बुक करता है। शर्म करो ये हमारे भाई बंधु, हमारे पुलिस के अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की मानसिकता निकाल दो। ये भारत देश है, ये तेलंगाना है, ये आजाद भारत है। बोले भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम।